दोस्तों, आमतौर पर एक इंसान को दिन में करीब करीब 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ज्यादा मात्रा में पानी पीना आपकी किडनियों के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। ये ना सिर्फ आपकी किडनियों के लिए बल्कि आपके पूरे शरीर के अलग अलग अंगों को भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन देने के लिए काफी है। पर जब हम किडनी की बीमारी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमारे शरीर में कितना लिक्विड जा रहा है। ज्यादा पानी पीना एक हेल्दी पेशेंट के लिए तो अच्छा हो सकता है, पर किडनी की बीमारियों में ये काफी घातक साबित हो सकता है। ज्यादा पानी पीने से या हमारे शरीर में किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा फ्लूइड जाने से एक किडनी पेशेंट को काफी दिक्कत हो सकती है। फ्लूइड से हमारा मतलब सिर्फ पानी से नहीं है, बल्कि लिक्विड रूप में जाने वाली हमारे शरीर में हर चीज से है। इसमें इंक्लूडेड है कॉफी, पानी, चाय और ऐसे ही बाकी ड्रिंक्स। तो आपको अपनी किडनी की बीमारी के दौरान ये ध्यान रखना होता है कि आपके शरीर में फ्लूइड कितनी क्वांटिटी में जा रहा हो, इसलिए आपको पानी की मात्रा भी देख के पीनी होती है। हमारे किडनियों का एक बहुत जरूरी फंक्शन होता है हमारे शरीर का फ्लूइड लेवल मेंटेन कर रखना। जब हमारी किडनियां खराब हो जाती हैं तो वो अपना ये फंक्शन खो देती हैं और वो हमारे शरीर में घुसता एक्स्ट्रा पानी यूरिन के द्वारा बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से ये पानी हमारे शरीर में इकट्ठा होता जाता है और तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस करता रहता है। चलिए जानते हैं कि किडनी की बीमारियों के दौरान ज्यादा पानी पीने से आपके शरीर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। पहली बात तो ये कि आपके शरीर में स्वेलिंग हो सकती है। ये स्वेलिंग हर जगह दिख सकती है, आपके पैरों में, आपके घोड़ों में, आपके टखनों में, आपकी कलाइयों में, आपके हाथों में और आपके चेहरों में। ये इस वजह से होता है क्योंकि आपके शरीर में एक्स्ट्रा पानी इन्हीं जगहों में सबसे पहले जाकर भरने लगता है। इस कॉम्प्लिकेशन को एडीमा भी कहा जाता है। स्वेलिंग होने से आपका चेहरा, आपके हाथ और पैर भरे भरे लगने लगेंगे। आपको दिन प्रतिदिन का काम करने में काफी दिक्कत भी होने लगेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे लो हो सकता है। ज्यादा मात्रा में पानी पीने से आपको सर दर्द भी हो सकता है और आपके पेट में दर्द भी हो सकता है, क्योंकि दरअसल ये पानी आपके पेट के अराउंड भरता ही जाता है, जिसे ब्लोटिंग भी कहा जाता है, जो आपके पेट पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालने लगता है। आपका पेट हमेशा गुड़गुड़ाता रहेगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। आपके खून में एक्स्ट्रा पानी जाने का एक और नुकसान ये है कि आपका ब्लड प्रेशर भी काफी हाई कर देता है। आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक्स्ट्रा पानी के साथ मिलकर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी आपके किडनियों के लिए तो अच्छी है ही नहीं, साथ ही आपके शरीर के बाकी अंगों के लिए भी अच्छी नहीं है। आपका खून जितनी तेजी से दूसरे अंगों में जाता जाएगा, ये उतनी तेजी से ही उन अंगों के सेल्स को नुकसान पहुंचाता रहेगा। आपके शरीर में एक्स्ट्रा पानी होने से यह आपके लंग्स के आसपास इकट्ठा हो सकता है, जिससे लंग्स को सांस खींचने और छोड़ने में दिक्कत आ सकती है। इसकी वजह से आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती रहेगी। आपकी सांस आराम से किसी भी छोटे काम करते वक्त भी फूल सकती है। और एक्स्ट्रा फ्लूइड होने से आपको हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि आपके शरीर में जितना ज्यादा एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा होता जाएगा ये आपके हार्ट रेट को अफेक्ट करता है। आपके दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और कभी भी कम ज्यादा होती रहती है। इससे आपकी दिल की मसल भी कमजोर होती जाएंगी और आपके दिल का साइज भी बढ़ता जाएगा। तो आखिर पानी के इस ओवरलोड से कैसे बचें? पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके शरीर में कितना लिक्विड जा रहा है। आपको पानी की जितनी मात्रा कही गई है आपको उतनी ही पीनी है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करनी। आप अपनी प्यास को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। हर थोड़ी देर में पानी पीने की जगह कैंडीज चूसना चालू करें या फिर बर्फ को चूसना चालू करें। आप जमा कर रखे हुए अंगूरों को भी खा सकते हैं, क्योंकि वैसे आपको ज्यादा मात्रा में प्यास नहीं लगेगी। आपको अपनी डाइट में नमक की मात्रा भी कम करनी होगी। आपके शरीर में जितना ज्यादा नमक होता है आपके शरीर में उतना ही ज्यादा पानी इकट्ठा करने की क्षमता हो जाती है। इसी वजह से आपको अपनी डाइट में सोडियम यानी कि नमक का इस्तेमाल बहुत ही कम करना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे जीवन के लिए हेल्दी पानी किडनी की बीमारी के दौरान आपके लिए जहर साबित हो सकता है। पर आखिर कब तक आप अपनी किडनी की बीमारी से हुई कॉम्प्लिकेशन से लड़ते रहेंगे? आपको जरूरत है कि आप अपनी किडनी की बीमारियों को जड़ से उखाड़ बाहर फेंकें, जिसमें आपकी मदद कर सकता है कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक ज्ञान। कर्मा आयुर्वेदा एक ऐसी संस्था है जिन्होंने पिछले कई दशकों में 35,000 से ज्यादा किडनी के पेशेंटों को सफलता से ठीक कर दिखाया है। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। 2.7 से 1.8 आने का मतलब है लगभग किडनी ने 50% की फंक्शनल इम्प्रूवमेंट दर्ज कर दी है ऑलरेडी, और ऑलरेडी उसके अंदर आ चुकी है। स्वेलिंग बहुत ज्यादा थी, स्वेलिंग सब्साइडेड है। फिजिकली फिट महसूस कर रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा तो लगता ही नहीं होगा बीमार हो। नहीं नहीं सर, घर वालों को भी नहीं लगता होगा। हाँ थोड़ा वेट वगैरह भी बढ़ाना सर। वेट भी इम्प्रूव हुआ है और शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है।
वैसे कमजोर हैं थोड़े, वैसे तो शारीरिक बनावट ही कमजोर है, लेकिन वैसे स्वस्थ लग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कोई कह सकता है क्या बीमार। क्रिएटिनिन वगैरह भी रिड्यूस हुआ और सभी चीज़ों में उनको इम्प्रूवमेंट नजर। क्या संदेश देना चाहेंगे उन किडनी मरीजों के लिए जो आपकी तरह पीड़ित हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा उनको आयुर्वेदिक की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, एलोपैथिक में तो उसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। उन्होंने सौ बातों की एक समराइज में कह दिया कि किस प्रकार से इस बीमारी को जीतना संभव है, जरूरत है तो जुड़ने की साथ। तो देखा आपने कैसे कर्म आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक ज्ञान ने इस पेशेंट की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाया। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें।